हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल पंप डीलरों को मोदी सरकार ने दी धमकी। पीएम मोदी का प्रचार करें वरना नहीं होगी तेल आपूर्ति। भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है। शायद प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक अब फीका पड़ रहा है। शायद इसलिए ही केंद्र सरकार अपने प्रचार के लिए पेट्रोल पंप डीलरों पर भी जोर डालने के साथ उन्हें धमका तक रही है। पेट्रोल पंप का संचालन करने वाले डीलर्स से सरकारी तेल कंपनियों ने कहा है कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपने पेट्रोल पंप पर लगाए। ये दावा डीलर्स के हवाले से शुक्रवार यानी 24 अगस्त को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स के संगठन के अध्यक्ष एसएस गोगी ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने पेट्रोल पंप पर लगाएं। जिन लोगों ने इस बात से इनकार किया है उन्हें तेल की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी जा रही है। एसएस गोगी ने कहा है कि पेट्रोलियम विभाग की तरफ से सुझाए गए डिस्प्ले में सरकार की तरफ से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाली योजना भी शामिल है। डीलर्स का आरोप है कि उन पर ये दबाव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध बहुत तेजी से बढ़ा है। सामाजिक न्याय से लेकर देश में बढ़ रही नफरत और दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा कई उपचुनाव भी हार चुकी है। हाल ही में आए एबीपी न्यूज के चुनावी पोल में भाजपा के हाथों से छत्तीसगढ़ और राजस्थान निकलता दिखाया गया है और कुछ दिन पहले ही दिग्गज चुनावी विश्लेषक रुचि शर्मा ने दावा किया है कि 2019 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना 99% से अब घटकर 50% पर आ चुकी है। मोदी की डिग्री और राफेल का दाम छुपाने के बाद एक और धांधली, शाह का सुरक्षा खर्च बताने से किया इनकार। सरकार अब जनता को ये जानकारी भी नहीं देना चाहती है कि वो उनके पैसे किन किन लोगों की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च कर रही है। वैसे तो देश में सुरक्षा की बात जब होती है तो आम आदमी खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि हत्या, लूटपाट और बलात्कार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार से ये पूछा जाए कि वो आम आदमी के पैसे से उसे सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है और किसी जिन्हें दे रही है उसमें कितना खर्च हो रहा है, तो उसका हिसाब भी देने को राजी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा घेरे पर हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आयोग ने आरटीआई कानून के निजी सूचना और सुरक्षा संबंधी छूट वाले प्रावधानों का हवाला दिया। आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया जिसने किसी व्यक्ति को सुरक्षा घेरा प्रदान करने संबंधी नियमों के बारे में पूछा था। दीपक जुनेजा नामक व्यक्ति ने 5 जुलाई 2014 को आवेदन किया था जिस समय शाह राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने उन लोगों की सूची मांगी थी जिन्हें सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। गृह मंत्रालय ने धारा 8G का हवाला देते हुए सूचना देने से मना कर दिया जो किसी व्यक्ति की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जानकारी को उजागर करने से छूट प्रदान करती है। हालांकि अपीलकर्ता ने कहा कि निजी लोगों को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा का खर्च सरकारी खजाने से नहीं किया जाना चाहिए। जुनेजा ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जुलाई 2014 से गृह मंत्रालय ने जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा घेरा प्रदान कर रखा है, जबकि वह किसी संवैधानिक या वैधानिक पद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जनता का धन है, इसलिए उन्हें इसके बारे में जानने का हक है। डॉक्टर कफील ने सीएम योगी को बताया झूठा, बोले ऑक्सीजन की कमी से हुई थी मासूमों की मौत। डॉक्टर कफील ने कहा कि नवजात बच्चे को नहीं होता इंसेफेलाइटिस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब कॉलेज में तैनात रहे डॉक्टर कफील खान ने उन्हें झूठा बताया है। डॉक्टर कफील ने आरोप लगाया कि सीएम इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक भाषण के दौरान कहा था कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त में 24 घंटों के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के मरने की घटना को वहां की आंतरिक राजनीति के कारण हवा मिली थी।
सीएम ने कहा था कि बीआरडी में बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कफील ने आगे कहा, सीएम जी ने कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से गलत है। इस घटना में कई नवजात शिशु भी मारे गए थे। नवजात बच्चे को इंसेफेलाइटिस यानी कि जापानी बुखार नहीं होता है। इस संदर्भ में ऑक्सीजन सप्लायर ने अस्पताल के अधिकारियों को खत लिखकर बकाया राशि अदा करने को कहा था। बता दें कि पिछले 10 और 11 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इससे पहले एक आरटीआई के जवाब में बीआरडी अस्पताल ने भी बताया था कि उस रात अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। इसके बावजूद भी योगी सरकार इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों की मौत की वजह अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी। रोजगार पर फिर घिरी मोदी सरकार, ईपीएफओ आंकड़ों में खुलासा, 10 महीनों में 60 लाख हुए बेरोजगार। रोजगार के सवाल पर मोदी सरकार घिरती जा रही है। सरकार के अपने दिए आंकड़े तक उसके खिलाफ जा रहे हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ईपीएफओ में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें कंपनियां अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जमा करती है। इन पीएफ खातों के आधार पर यह भी पता चलता है कि बाजार में कितने रोजगार बढ़े या घटे। हाल ही में सरकार ने ईपीएफओ के आंकड़े रिलीज किए हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण कर जवाहरलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु ने बताया है कि इस साल जून तक 10 महीनों में 60 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ी है। डेटा में बताया गया है कि इन लोगों में 46 लाख लोग 35 साल से कम उम्र के थे। तो ये बात भी साफ हो सकती है कि इन लोगों ने कम लोगों की संख्या ऐसी है जो रिटायर हुए हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में उनको 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बावजूद वो अपना वादा नहीं निभा पाए हैं। इसके विपरीत रोजगार पर उनकी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और बेरोजगारी बढ़ी है। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज के 3 पत्रकारों को ट्विटर पर किया फॉलो। लोग बोले, पुण्य प्रसून वाजपेयी को कब फॉलो करोगे। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर मीडिया और खेल जगत की 55 महिलाओं को सोशल मीडिया पर फॉलो किया है। जिन लोगों को पीएम मोदी ने फॉलो किया है उनमें एबीपी न्यूज की महिला पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, नेता पंत और श्वेता सिंह के नाम भी शामिल है। खेल जगत से अश्विनी पोनप्पा, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और करमन कौर ठंडी, धावक पीटी उषा जैसी बड़ी खिलाड़ियों के नाम शामिल है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नितिश पांडे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आखिर चमचाई का इनाम मिल ही गया, खुशी मनाओ। जनहित में मास स्ट्रोक का बंद कराए मोदी जी, तब कुछ निकला नहीं। वही एक और यूजर ने लिखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कई बलात्कारियों और गुंडों को भी फॉलो करते हैं। दिलीप ठाकुर नाम की पत्रकार ने लिखा, चापलूसी करोगे तो फॉलो तो करेंगे ही। ये दिखावे से अच्छा मोदी जी देश की बहनों की रक्षा के बारे में कुछ करे तो बेहतर है। नोट, रेप पर राजनीति ना करे बस। बता दें कि पीएम मोदी अपने निजी ट्विटर हैंडल से 2000 लोगों को फॉलो करते हैं, जबकि उन्हें 4.43 करोड़ लोग मोदी को फॉलो करते हैं। उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया विश्व नेताओं समेत 448 लोगों को फॉलो करता है, जबकि 2.69 करोड़ लोग इसे फॉलो करते हैं। मगर पीएम मोदी अक्सर इस विवाद में ज्यादा चर्चित हो जाते हैं। जिन्हें वो फॉलो करते हैं वो अक्सर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।